हमारे घर एक ये लेबर आई है नेपाल से, ये वो लेबर आई है भूटान से, और ये सीधे दुबई से आ रही है। गाइस इसका पेपर है कल, गाइस बिग फैन है और बिग फैन का पेपर है, तभी मैं इसको भरत तो अलग मिठाई खा ले ओप है, जल्दी हो मिठाई खा ले ओ की है रे तेरी बड़ कौक भाई घरों भी। तो कैसे आप लोग, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। घर में शादी की तैयारी जम के हो रही है अभी, मेरे को तो सामान लेने भेज दिया, घर में टिकने नहीं दे रहे हैं, फिर बाजार जा रहा हूँ मैं, दिखाते आपको काम मुझे ही देखना पड़ रहा है फिर से, मतलब मार्केट भेज दिया है मुझे, सेरेमनी भी हो गई है, अब दिखाते आपको। हमारे साथ आए राहुल भाई, अरे राहुल भाई की बड़ी मजाक बना दिया, शादी हो रही है नहीं हो रही है भाई की शादी कोई, ये है हमारे राहुल भाई, इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की अगर मिलती है तो जल्दी ही शादी कर देंगे इस महीने, बट अभी लड़की नहीं मिली है, अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही है। बिल्कुल यार, बिल्कुल राहुल भाई परेशान हो गया, कह रहा मुझे पता नहीं है मेरी शादी हो रही है, बट लोगों को कैसे पता चल गया। लेगा भाई थोड़ा दाढ़ी हाड़ी बाल हाल कटा के लाता है, और बाकी बहुत सारा सामान भी लाना है, आज मेरे पास लास्ट टाइम है, मैं कल से ब्लॉग भी बना पाता हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि बहुत काम हो रहा है, अगर बनेगा तो हम पक्का आपको कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे हमारे, अगर नहीं हो पाएगा तो एक दिन के लिए माफ़ करना, दूसरे दिन तो मैं फ्री हो ही जाऊँगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो वैसे भी सब रोज़ ही आएगा, वैसे फिलहाल कोशिश पूरी रहेगी 100%, चाहे मुझे रात के 12 बजे एडिट करना पड़े, 1 बजे एडिट करना पड़े, पर ब्लॉग आएगा। हम पहुँचे मुन्ना भाई की दुकान में, अब हम कटाएंगे यहाँ पे बाल, मुन्ना भाई कटेंगे, मुन्ना भाई को दिखाओ, मुन्ना भाई कहाँ हो तुम, ये मुन्ना भाई हमारे, ये काटेंगे हमारे बाल, तो अब शादी के लिए थोड़ा हीरो बनना होगा, क्यों गाइस अब सजो मुझे जैसे सजते हो, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, ऐसे बाल काटना कि मतलब सालियों को बाल पसंद आए, बस मैंने हमें तैयार कर दिया, बालों की कटिंग कैसी लग रही है, एकदम तगड़ी करती हैं, अब हम जाएंगे घर, घर में दिखाएंगे एक से एक बेहतरीन, मेहमान आए और रखे हैं हमारे घर में, तो सबसे इंट्रोड्यूस होगा आपका, ठीक है गाइस, और ये राहुल भाई हमारे, और ये मुन्ना भाई, और ये पीछे एक छोटू है, पता नहीं दिख नहीं रहा बट दिख गया अब। सो गाइस तो हमने बाल हाल कटा लिया, देखो मुँह में थोड़ा लिपाई पुताई भी कर दी है, अब जा रहे हैं हम सीधे घर में, घर में दिखाते हैं, और निमंत्रण भी कहना वहाँ भी ले जाते हैं, गाँव की सैर कराते हैं, और जो भी होगा मतलब सब दिखाएंगे, कल संगीत है, परसों शादी, भात खाना, सब दिखाएंगे आपको, बने रहो ब्लॉग में और सब्सक्राइब करते रहो चैनल। मैं घर पहुंच चुका हूँ, यही है शादी मुझे लग रहा है, इसी घर में दिखाते हैं कौन कौन आए हैं, अभी पहुंच रहा हूँ मैं। सबसे पहले अपने नेपाल से सीधे नेपालियों से मिलाते हैं सबसे पहले अपने घर में, और यही घर में छे ब्याह, यही घर में छे ब्याह, अच्छा गाइस इधर ही है शादी बल, हाँ ये देखो ये विकास से विपन भात खा रहा है इधर पे, देखो विकास है, सॉरी गाइस, तो हमारे घर ये देखो, ये तो इंडोनेशिया से आई है क्या गाइस, ये तो भूटानी है गाइस, तुमने पहचान ली होगी हमारी भूटानी, और ये नेपाली देखो, नेपाली तो भयंकर है यार, नेपाली चमक रही है, ये देखो ये है हमारा भूटानी नहीं है, ये है वहाँ का कहते हैं जापानीज भी नहीं है, ये बांग्लादेशी भी नहीं है, कौन सा देशी है, नेपाली है, ये भी नेपाली है, ये भी देशी है, रात को अच्छे, ये नागालैंड का नागा नागा बटालियन से आया है, ये देखो सारा सामान मेरे रूम पे रखा है, लगा लो उतना अच्छा लग्जरी घर है मेरा, तभी तो इन्होंने इसमें रखा है, और तुम बताइए कुछ कहना चाहो, हमारे ब्लॉग व्लॉग देख रहे हो कि नहीं, हाँ देख रहे हो, ओके ओके ओके, अरे आज हीरो बन के आया हो, चलो बुबू से भी थोड़ा पूछताछ कर लेते, उनका नाती कैसा लगा, कैसा लग रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया, हीरो हीरो हाँ। हीरो हुआ ना हाँ। फिर तुम्हारा नाती हीरो हुआ एकदम हाँ। लड़ने में रहती है मेरी नानी मुझसे, बताओ यार तुम? प्यार तो है नहीं तुम्हें मुझसे, माया मारी दिल फट गई, देख बहन दिल फट गो, किसी को भी किसी समय भी सुना सकती है नानी। तो गाइस बाल तो तगड़े काटे हैं देखो ये मैंने, अब दिखाते हैं, अभी निमंत्रण कहने जाना है गांव में, जाते हैं अभी थोड़ी देर में, पक्का मिलाएंगे गांव में जाएंगे, ठीक है निमंत्रण कहने बाद, और पूछनी जब हमने निमंत्रण कह दिया था तो तुम लोगों ने ऐसे कैसे कहा कि सूरज दा ने निमंत्रण नहीं कहा, हम नहीं आएंगे, मेरी तरफ से अगर जिसके लिए निमंत्रण नहीं आया है वो ना आए, जिसको आया है वही आया हमारे घर, मतलब फंस के इतने मारते हो तुम, मुझसे सीखे वो गाइस, मैं फंस क्या रही हूँ क्या, पीछे डेकोरेशन हो चुका है तो मम्मी गोट गाड़ रही है वहाँ पे, बहुत ही टेंशन में है, गोट गाड़ने की टेंशन चल रही है उसको, ठीक है अभी हम निमंत्रण कहने जाएंगे, क्योंकि आज ये संडे का ब्लॉग है, मतलब हाँ संडे के दिन, अभी संगीत कल है, मतलब संगीत का परसों को आएगा और शादी का उससे एक दिन, तुम्हें पता ही है, ठीक है। हमारे घर एक ये लेबर आई है नेपाल से, ये वो लेबर आई है भूटान से, और ये सीधे दुबई से आ रखी है ये वाली मैम, ये लेबर आए इनसे काम कराया जाएगा इनको, अगर ये काम कोई नहीं, ये लेबर हैं, इनको मतलब मस्त तरीके से
दो बर्तन धुलाने हैं और खाना बनवाना है और इसी काम के लिए बुला रखी है मैंने तो। बारात यहाँ ले जाने का कोई सीन नहीं है। और ये एक और आई है, ये बहुत चिढ़ रही है पीछे, मेरी आमा जैसी है ये। पहले मेरे रेगड़ू की आमा थी वैसी है, सेम मेरे ब्याह कहाँ हूँ हेरा खेन तेले बा तेरे सूर्या ब्याह को देखो गाइस, अपनी अपना नाती ब्यवा दिया इन्होंने सूरज, क्योंकि इन्होंने पाला था। अब दूसरे नाती की कोई सुदबुद्धि नहीं है, बोल जा कर न कर मन सुदबुद नहान दर्जनों हिसाब गाइस इनको चाहिए दर्जनों हिसाब। नाती कहाँ से लाए हम क्या है मेरी नानी को चाहिए दर्जनों हिसाब नाती। अब यार ऐसा ही है निमंत्रण कहने, ये देखो ये सारे भाई है, हम लोग निमंत्रण कहने जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक वो होता है ना कि मतलब कल्चर होता है कि हम शादी से पहले एक दिन पहले एक तो मिठाई बांटते पूरे गांव में, दो पेड़े मिठाई हर परिवार में, और निमंत्रण भी कहते हैं उसके साथ साथ पैन बोलते हैं जिसको, ठीक है। हम जा रहे हैं पैन बांटेंगे, मिठाई का ये लेके पूरे गाँव में बांटेंगे और निमंत्रण भी कह के आएंगे उनको ही, ठीक है, एक दिन पहले। तो किसी के यहाँ उसी शादी के दिन भी कहते हैं, हम भी कहते हैं शादी के दिन भी कहते हैं, शादी के दिन संगीत के दिन। बट अभी हम आज कल हमारा सब चल रहा है तो अली गांव के बिग फैनों के पास पहुंचे तो यहाँ पे देखो ये तो मेरी आमा है और ये सारे हमारे बिग फैन। लो आप तुम्हारे लिए मिठाई आई है, बिग फैन तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं गाइस, इसमें से रुको देते हैं। हाँ गाइस आज हम पहुंचे हैं अपने गाँव के सबसे प्रधान वाले गाँव में जहाँ होली होती है, इस आंगन में होली होती है, यहीं पर रम जाएंगे एक दिन हम गाइस। इस आंगन में जो मजा है ना होली का, मजा आ जाता है गाइस। यहाँ बनाएंगे हम होली, बहुत ही जल्दी होली दिखाएंगे आपको। और ये है एक प्रधान और एक प्रधान ऊपर है, दो प्रधान है हमारे गांव, मल्ल प्रधान तल्ल प्रधान। तो ठीक है गाइस, प्रधान लोगों का आंगन तो यहाँ पे बहुत ही मजा आते हैं। जिया जी आज इस बार तुम भी इंजॉय यहीं लोगे, ठीक है। आज ये गाँव में तो कह दिया है, अब हम जा रहे हैं कैनाथ बीच की चकुनी में, हमने कह दिया है। मिठाई देखो या पैन देखो हमारा, तो निमंत्रण कहने में फोन नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि एक हाथ में मिठाई, एक तरफ से निमंत्रण कहना हो रहा है, एक तरफ से पकड़ना हो रहा है, तो जितना भी कैप्चर हो रहा है दिखाई रहे हैं आपको। कैनाथ दिखाते हैं आपको, कैनाथ कैसे हो? ये देखो हमारी बहन, तो इसमें से दो पीस अपनी मिठाई के उठाओ और निमंत्रण हम कहेंगे उठाओ उठाओ, मेरे बस की नहीं है। तो आपके लिए कल से परसों से लेके भात खाने तक सपरिवार निमंत्रण हुआ, ठीक है। आ जाना बरात में, बरत्या नहीं होती, एक दिन के लिए है, वो मोहित भाई को भेज देना, ठीक है। ये मोहित भाई है हमारे, ये देखो मोहित भाई, तुम बरत्या आ जाना, ठीक है, बरित्या आ जाना, ठीक है, तुम्हारे लिए बरित्या निमंत्रण हुआ। मतलब हम पहुंचे कैनाथ और कैनाथ में हम अनिल दा, और यहाँ देखो ये सर घर में दूं या इधर ही दे दूं? ये लो पकड़ो दो मिठाई के पेड़े और सफर बाद न्यूथ है सब चीज का, ठीक है। ओके 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 ओके, मम्मी से कह देना, मिठाई उन्होंने ले ली है, कैप्चर हो गया, निमंत्रण उनके घर कहेंगे अब, ठीक है गाइस। तगड़ी बिग फैन हो के यहाँ पहुंच चुका हूँ, तो देखो यहाँ इतने सारे मीटअप में इतने सारे लोग आए हैं मेरे, वो गिर गए गाइस, तगड़ा एक्सीडेंट गाइस, तगड़ा एक्सीडेंट। ब्रो हिम्मू भाई पकड़ो सफर बाद न्यूथ हुआ, हाँ कल से लेके परसों तक, हाँ ले पो, ठीक है। और ये गिर चुका है गाइस, ये गिरा एक्सीडेंट आएगा, ये तो ब्लॉग में आएगा, ये खाली राइडर है ये गाइस। इनसे भी हम निमंत्रण देंगे, और इनका कुत्ता बड़ी खतरनाक स्थिति में देख रहा है, काटता है तभी पकड़ा है, तू नहीं इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। इसका नाम मैगी है, ले दो पेड़े उठाए इसमें से, और निमंत्रण हुआ कल से परसों तक सफर बाद निमंत्रण हुआ, हाँ ठीक है। सो गाइस ये है देखो, ये कौन है, ये भुतड़े की बॉल पकड़ी है इसने, सिस्टम बोल रहा है, एक बार आएको कि खाने मिठा ओप है, मिठाई खा ले ओप है, जल्दी हो मिठाई खा ले ओ, की है रे तेरी बड़ कौक भाई, घरों भी सतकुल है भैया, तुरा सतकुल है भाई, चलो ठीक भाई। तुम न्यूद भाई हो, महिला संगीत अकले भाई, बरात अकले भाई, भात खाना अकले हो, ठीक छे, आया हो तुम, आया पोरिन भलिन पोरिन नीरिन, भलिन तो महिला संगीत भे, पोरिन बरात भे, नीरिन भात खाना न्यूद भाई हो, ठीक छे।
तो गाइस हम पहुंचे कैनाथ, ये इसका नाम है वैसे, वैसे क्या है, पूजा, वैसे डब्बी कहती थी, क्या कहती थी इसे? हाँ गाइस, तुम्हारे लिए दो पीस बची थी, हमने रखी है ये देखो। भलिन बटे, भात खान बटे, बरित्ती बटे, सफर वाहन उदय हो ठीक से, और हमारे ब्लॉग देख रही होगी नी, कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कंटिन्यू। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा काम चल रहा है, हमारे गांव की महिलाएं काम करती हुई देखो, ये बहुत ही कामदार है। देखो ये सही हो रहा, कल से आ जाना हमारे घर, बुक हो कल से ठीक है, कल से भात खाने तक सब बुक हो ठीक है। ओके निमंत्रण कहा हाँ, मामी पलक। और ये हमारी बिग फैन निकिता जी, ये देखो बिग फैन, हेलो, ये देखो असली बिग फैन तो यही है। गाइस तुम्हारे लिए अलग से निमंत्रण कह रहा हूँ मैं ठीक है, तुम अलग से आना ठीक है, मीठा खवा दियो नो, देख दाते में खोले मई चले बच्चे अलग से योग पेपर से, तो हमें बरती नहीं उत्कुन्नी है। गाइस इसका पेपर है कल, गाइस बिग फैन है और बिग फैन का पेपर है, तभी मैं इसको बरतते नहीं अलग से कह रहा हूँ, और तेल अलग से भाई ठीक है, तेल अलग से नहीं होता। शुभम भाई के घर में देखो, ये हमारे मामा जी का घर है। गाइस शुभम भाई यार तुम्हें मिस कर रहे हैं, तुम आज अभी ड्यूटी में हो, या आमा बैठी है इधर पे, आमा से हेलो, आमा हेलो कर दे, शुभम देख लेने, हेलो देखो ये ठीक हो गया, लो पचन नहीं भैया, मैं तो कहीं बैठे भी हो या इतना रात्ता व्यास्त देखे भी उम्मीद है। तो परसों को कल से आना हुआ, हाँ वहाँ निभाना भी तो हुआ और बरित भाई ठीक है, योगी तिया भाई ना सरकार आवे बढ़े दुल्हन की तरफ से भी है, दूल्हे की तरफ से सफर वार नहीं उदावल, वो भी सो हमारी तरफ बढ़े भी, उनकी तरफ से भी क्या आ गया। जिया जी कह रहे मेरी सेवा करो, बस ठंडा हो गया, सेवा में क्या चाहिए आपको, विस्की और रम, तुम्हें हो गया है बहुत सारा गम, तुम पियो रसना पी के एकदम चंगे हो जाओगे, रसना पी के रसना हो जाओ। और ये हमारे योगेश भाई है देखो, ये कुछ कहना चाहोगे हमारे ब्लॉग में, बोलो फिर। आज मौसम ठंडा हो गया है, तो अब हमारे दादा की शादी है, तो हम लोगों ने निमंत्रण का सब कर लिया है आज, अब बस कल के लिए संगीत के लिए तैयार हो रहे हैं। धमाचा हो जाएगा गाइस, धमाचा डीजे डीजे, ले फोटो हो जाएगी गाइस। तो निमंत्रण कह दिया है, हम सभी दो भाई ये हैं, हम मतलब तीन भाई, एक मेरे दादा, चार भाई हैं हम, बड़े पापा और ताऊ के मिला के, और ये हमारे जिया जी भी साथ में आए हैं हमारे निमंत्रण कहने, हमने अकेले सब पे भारी हैं हम, क्योंकि इनको एक और बिग फैन बचे थे हमारे, लास्ट निमंत्रण कहना, हमने इनको लास्ट में कहेंगे हमने सोचा था, इनको भी दीजिए महिला संगीत और बारात और भात खाने का निमंत्रण हुआ ठीक है गाइस, परित्या भी हुआ, कितने परिवार, दो और दे हाँ ठीक है, बिल्कुल डांस करना हुआ, मतलब जुली 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 सब करना हुआ ठीक है, ले फोटो में भी करना हुआ। पहुंचा तो हमारे घर आ रखे हैं फगार पड़ी मम्मी, और ये मेरी टनकपुर वाली आमा देखो पहुंच चुकी है, और वो मेरी चाची है, वो कल्ली चाची है, ये मेरी बड़ी मम्मी है, और ये हमारी घर की डॉन आमा देखो, ये तुम्हें पता है डरा रही है मुझे हर बार, और ये मेरी मम्मी देखो, हीरो नाती, तो देखो इधर पे मतलब पूरी तैयारी चल रही है, ऐसे करते हैं पहाड़ों में थोड़ा बहुत, देखो ये इधर पे देखो हाँ, देखो मेरी बहुत डिमांड है, मुंबई तक डिमांड है, इनका लड़के मुंबई में है, मुंबई से देखते हैं मुझे सीधे, तो देखिए ये ठीक है गाइस। तो हम आज का ब्लॉग इनके साथ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग, संगीत का ब्लॉग, कल संगीत है हमारे घर में, तो वेट करो संगीत का, और परसों शादी फिर भात खाने का पूरा दुनगुन तक का दिखाएंगे हम गाइस ठीक है, तो बाय, सभी बाय कर दो इनको, बाय बाय।